आर्टिकल है वो जी अरविंद कुमार जी ने लिखा था, तो वो सिखों के ऊपर वो एक बात लिख रहे हैं, मैं वो पढ़ देना चाह रहा हूँ। वो लिख जी रहे हैं कि पहले मैं ऐसे बता देता हूँ कि वो कह रहे हैं कि सिखों को आरक्षण देने की बात पहले ही संविधान सभा में चल रही थी, और क्या हुआ कि 1950 में और जो रियासतें जुड़ी, जो भारत सरकार के अलावा जो अलग अलग प्रिंसी स्टेट थे वो सब जुड़े, तो उस टाइम एक महसूस हुआ कि अभी जो अब इसमें देखा जाए कि कौन कौन सी जातियां नहीं जुड़ी। मैं वो बात पढ़ देता हूँ, देखिए कह रहे लिख रहे वो कि कोई आर्टिकल राष्ट्रपति के 1950 के आदेश के खंड 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म से भिन्न धर्म को मानता है उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि पंजाब या पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ में रहने वाले रामदासी, कबीरपंथी, मजहबी या सिल्कगर जाति के प्रत्येक सदस्य को उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति का सदस्य माना जाएगा, चाहे वो हिंदू हो या सिख धर्म को मानते हो। सच तो यह कि 1956 का संशोधन आदेश केवल सिखों को शामिल करने के बजाय राज्य पुनर्गठन के कारण उत्पन्न अस्पष्टता को दूर करने के लिए आया था। इसलिए यह कहना कि सिखों को एक सोची समझी रणनीति के तहत आजादी के बाद अनुसूचित जाति में शामिल किया गया गलत है। सिखों को SC सूची में शामिल करने की मांग 14 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा की बहस में की गई थी, जिसे संविधान निर्माता ने स्वीकार किया था। सरदार हुकुम सिंह का फिर वोट क्वेश्चन आंसर डाल रहे, तो ये वो बात कह रहे कि पहले ही बहस थी और उसको सोची समझी साजिश नहीं, वो पहले ही बात थी और उसको वहां पे उसी मांग को, संविधान सभा की मांग को ही उसको इंप्लीमेंट किया था। जी नूरुल नबी, अगर मेरी बात सुनिए, आप पहली 1.5-2 लाइन फिर से रिपीट कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले तो राष्ट्रपति के 1950 के आदेश का खंड 3 क्या कहता है, पहले तो वो उसको कोट कर रहे हाँ हैं। बस वही कोई वही भी फिर व्यक्ति, से जी, कोई भी व्यक्ति जो हिंदू धर्म से भिन्न धर्म को मानता है उसे बस अनुसूचित रुक जाति का जाइए सदस्य बस रुक नहीं माना जाइए जाए। बस रुक जी जाइए। जी जी आपका संविधान धर्म निरपेक्ष है, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, जात के स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब आप लिख क्या रहे हो? हिंदू धर्म से भिन्न शब्द पर गौर करें। आपने पूरे संविधान का चीरहरण कर लिया, अगर थोड़ा बदतमीजी के लहजे में कहूं तो रेप कर लिया। अच्छा मतलब नूरुल, मैं जी ऐड कर दूं। जी वो जी लिख रहे हैं कि ये जो है 341 कभी भी धर्म तटस्थ मतलब रिलीजन न्यूट्रल कानून नहीं रहा। वो लिख रहे हैं जी जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट से में कहा गया कि भारत का संविधान अनुसूचित जाति और सूची को किसी चुनिंदा धर्म तक सीमित नहीं रखता। लिंकर की रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट गलत है। वो इसका फिर इसमें बोल रहे हैं 1936 की धारा 3 ने धर्म को भी मानक बताते हुए 2 प्रावधान किए थे। नंबर 1, किसी भी भारतीय ईसाई को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। अब बंगाल में बौद्ध धर्म या जनजाति धर्म को मानने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाएगा। तो ये कह रहे 1936 से ही ये चल रहा था, कोई नई चीज नहीं लाए। जी नहीं, 1936 से जो चल रहा था वो मुसलमान उससे बाहर नहीं था। ईसाई पर मैं एक बात कहूंगा कि आप देखिए, इसी दुनिया में कोई कुछ कहे, ईसाई गोरा, खासकर गोरा, गोरे थे ना 1936 में, होता बहुत ईमानदार, नो डाउट। वो उसकी महानता देखिए कि उसने कहा हम सत्ता में अपने धर्म के लोगों को लाभ नहीं। अब बौद्ध धर्म को उसने क्यों बाहर किया, ये तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन शायद बौद्ध धर्म एक धर्म के रूप में तब तक बहुत ढंग से लिखा पढ़ी में स्थापित ना हो पाया हो, या कोई और कारण रहा हो, जो भी रहा हो। लेकिन उसने ईसाइयों को, जैसे आप ले लीजिए कुछ मुगल शासक जैसे जहांगीर, या मेरे ख्याल से औरंगजेब भी थे, उन्होंने गाय वध को पर रोक लगा दी थी कि गाय नहीं काटी जा सकती। ये हिंदू धर्म के सम्मान में उन्होंने लगा, ये उनकी महानता थी। तो अगर ईसाई होकर मैं मुसलमान होकर अपने लोगों को कहता हूं आप फाइट करो, हम दूसरों को देंगे क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, ईसाई तो ऑलरेडी सत्ता में था, उसने कहा हम आपको नहीं देंगे, ये तो उसकी महानता है। आप कहते कि हम हिंदू धर्म के लोगों को नहीं देंगे, हम तो सत्ता में है औरों को देंगे। आपने कहा नहीं, हम सत्ता में है अपने ही लोगों को देंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है, अंधरा बाटे घरा घरा ना पावे। तो आपने कहा हम सत्ता में हैं, हम अपने को ही देंगे, बाकी को नहीं देंगे। आपने सिखों को बाद में शामिल किया,
बौद्धों को बाद में शामिल किया और हमको ईसाइयों को अब तक नहीं शामिल किया। और गोरे ने क्या कहा, हम सत्ता में हैं, अपने को नहीं देंगे। डिफरेंस देखिए आप, तो उसका तर्क देना तो गलत है। और उस टाइम तो हम बाहर ही नहीं थे, तो हमको आज क्यों बाहर किया गया? क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट हमको पहले मिल चुका था। एक बात कही जाती है कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था इसलिए हमको नहीं मिला। अरे सेपरेट इलेक्टोरेट पहले मिल चुका था। कहा जाता है कि दलितों ने सेपरेट इलेक्टोरेट छोड़ा इसलिए ये मिला। तो हमको हमको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा था तब भी हम बाहर नहीं किए गए थे, ईसाई और बौद्ध किए गए थे, तो हमको क्यों बाहर किया? और सबसे बड़ी लड़ाई, जो सबसे बड़ा कलंक है इस देश पर, वो क्या है? वो ये है कि हम कहते हैं, जिसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड, कि जात धर्म, उस बात को फिर दोहराता हूं, जात धर्म लिंग जन्म स्थान आदि के धर्म के आधार पर, जात के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आप धर्म के आधार पर हमको भेदभाव कर रहे हो, आरक्षण देने से आपने रोक दिया। आप कहे तो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन आपने रोक दिया। ये संविधान पर इतना बड़ा कलंक है, इस देश पर धर्म निरपेक्षता पर इतना बड़ा कलंक है। ये अफसोस है कि मुसलमान मुद्दों को अभी तक भुला नहीं पाया। जी हाँ, वकार भाई अनम्यूट कर लीजिए अपने आपको। हाँ वकार भाई, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये बन जाता है हितों का भी टकराव नजर आता है, जो दलित साथी जो इसका विरोध करते हैं, क्योंकि तो मोदी जी के इस जो सरकार ने जो हल्फनामा डाला है उससे कई जो दलित साथी है वो खुश है, कह रहे कि ये ठीक है। वो ये कह रहे कि मुसलमानों को आरक्षण तो मिल ही रहा है, उनका आर्गुमेंट ये बनता है कि पक्षपात कैसे हो रहा है तुमको, तो अब तो हर वर्ग को आरक्षण मिल रहा है, तुमको ओबीसी में मिल रहा है, एसटी में मिल रहा है, अब जो मुस्लिम सौड़ है उनको जो है ईडब्ल्यूएस में मिल रहा है, तो तुमको आरक्षण तो मिल रहा है। लेकिन हमारी जो लड़ाई थी वो गांधी जी से जो लड़ाई थी पूना पैक्ट वाली, या उससे पहले एक 100 साल का इतिहास रहा है कि हम जो है डिप्रेस क्लास से लेते हुए हम लड़ाई लड़ते हुए यहां तक पहुंचे, और ये हमारी लड़ाई के नतीजे में ये हमको मिला था, मतलब ये जो एससी आरक्षण है। और आप लोग जो है बने बनाए हलवा खाना चाह रहे हैं, इस तरीके का मैं आपको थोड़ा सा रफ लैंग्वेज बोल रहा हूँ, वो यही बोलना चाह रहे हैं। तो आसिफ के आते आते खत और लिख रखूं, मैं जानता हूं क्या वो लिखेंगे जवाब में। देखिए हर बात का जवाब बन सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे दलित साथियों का दिल हम ही लोगों की तरह बड़ा छोटा है, इसीलिए वो मुख्यमंत्री के आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बहन जी भी दूसरे को मुख्यमंत्री की शक्ल में नहीं देख पाई, हिस्सा बांट के नहीं देना चाहती हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने 10 साल तक दूसरे को प्रधानमंत्री बना के दिखाया गांधी परिवार ने, बहन जी नहीं दिखा पाई पैट करने के बाद भी कि अखिलेश को मुख्यमंत्री कर देती, अपने प्रधानमंत्री बन जाती। इसी तरह से हमारे दलित साथी भी बताते हैं कि ओबीसी आरक्षण हमारा है, एसटी आरक्षण हमारा है, एनटी डीएनटी में भी हम हैं, लेकिन जैसे ही एससी आरक्षण की बात होती है तो बताने लगते हैं कि कुरान में जात पात नहीं है। और रहेगी बात जो लड़ने की, तो मंडल में भी हम लोग लड़ाई नहीं लड़े हैं, लेकिन हमको आरक्षण मिला उसमें। तो ये जो हमारे दलित साथी हैं, ठीक है आज अल्लाह ताला ने उनको बड़ी तरक्की दे दी आरक्षण के सहारे, और हम लोग उसी आरक्षण से महरूम रह करके किसी लायक नहीं बन पा रहे हैं, हम ना हमारा कोई विधायक है ना कोई हमारा एमपी है, तो वो तो जो चाहे कह सकते हैं। लेकिन ये बड़ा कड़वा सच है कि लड़ता कोई एक है, एक समूह लड़ता है, यादव लड़ते हैं, और निषाद और दूसरी बिरादरियां भी आरक्षण पाती हैं। कुर्मी लड़े थे, यादव लड़े थे, लेकिन ज्यादातर बिरादरियां नहीं लड़ रही थी उस वक्त, लेकिन आज सुनारों तक का आरक्षण है जो बीजेपी के लिए काम कर रहे थे। तो आरक्षण या देश की आजादी उनको भी मिली है जो अंग्रेजों का के साथ मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, क्या उनकी औलादों को भारत की आजादी में हिस्सा नहीं मिल रहा है? भारत की आजादी में उनको भी हिस्सा मिल रहा है। और अंबेडकर जी खुद अंग्रेजों से कभी नहीं लड़े, लेकिन देश के कानून मंत्री बनाए गए वो, और जो लोग अंग्रेजों से लड़ रहे थे जिनकी जाने गई, मैं उसमें भगत सिंह जी का भी नाम लूंगा, भगत सिंह जी के परिवार को तो कुछ भी नहीं मिला। तो ये बात कहना कि हम लड़े और ये लोग मजा लूटने आ गए, भाई हम धोबी हैं, हम मोची हैं, हम नट हैं, हम मुस्लिम भंगी हैं, हम तुर्क पासी हैं, हम मुस्लिम खटीक हैं,
हम जुलही हैं, तो अब हमको जब आप एक तरफ ये बात भी होती है कि भाई 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 हैं, दलित दलित एक समान की बात होती है, ठीक है हम ही कहते हैं आप नहीं कहते हो, हाँ तो फिर ये आरक्षण मिलने में जब कोई मामला बनता है तो आप किनारे हो लेते हो, हमारा किसी आदमी का भाजपा की तरफ झुकाव जाता है तो आपको दिक्कत होने लगती है, आपको भाजपा ने एफिडेविट दे करके हमें रोक दिया तो आपको खुशी हो रही है। तो ये डबल स्टैंडर्ड लगातार चल रहा है देश में, जैसा नरेंद्र साहब ने कहा कि भारत डबल स्टैंडर्ड का देश ही है, यहां गोरों की तरह सच नहीं बोलते हैं, यहां किसी ऋषि सुनक को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता, यहां जब पसमानदा दलित मुसलमानों को पार्लियामेंट में हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, हमें एससी का आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, आज हमारे यहाँ छुआछूत हिंदुओं से ज्यादा है, हिंदू में तो जो दलित हैं वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, वो डिप्टी पीएम बन चुके हैं, रक्षा मंत्री बन चुके हैं, होम मिनिस्टर बन चुके हैं, क्या नहीं बने हैं, स्पीकर बन चुके हैं, हमारा दलित मुसलमान प्रधान तक नहीं हो पाता है, फिर भी वो हमारे साथ इस तरह का भेदभाव कर हो रहा है।